نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے بس ایک جماعت پیدا کر کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر اسلام کا دم تو بھرتا ہے پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے اسلام کا دم تو بھرتا ہے پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے یا تو اسلام کا نام نہ لے یا پھر شوق شہادت پیدا کر باوقار علماء کرام معزز سامعین عزام عزیز دینی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں اور معصوم بچوں اور پردوں کے پیچھے سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں سب سے پہلے میں قابل مبارکباد دوں گا ہم سب کے سرپرست ہم سب کے بڑے سادگی کے مالک جن کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے نہ لالچ دے سکی تجھے سکوں کی جھنکاریں نہ لالچ دے سکی تجھے سکوں کی جھنکاریں تیرے دستے توکل میں استغنا کی تلواریں حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم العلیہ جو اس وقت میں آپ کے جلسے کی نظامت بھی بڑی خوبصورتی اور ادب کے دائرے میں اور لفظوں کے انتخاب کے ساتھ ساتھ خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں دعا کریں اللہ حضرت کا سایہ دیر تک ہمارے اوپر قائم اور دائم فرمائے اس کے علاوہ قابل مبارکباد ہیں وہ تمام نوجوان
जिन्होंने कई महीने इस अल्लाह और उसके महबूब की मजलिस के लिए अपने रातों को और दिनों को एक किया और अपना खून पसीना लाकर के यहाँ जमा कर दिया और फिर ये इतना खूबसूरत मजमा सजाया। आप लोग भी उन्हीं की मेहनतों के बावजूद यहाँ पर तशरीफ लाए कि जो इतना बड़ा मजमा नजर आ रहा है ये इन नौजवानों की कारगर्दगी है, इनका इखलास है और अल्लाह के यहाँ मकबूलियत की अलामत है कि अल्लाह ने इनकी मेहनतों को कबूल किया और तुम्हारे दिलों में इनके प्रोग्राम की एक अहमियत को डाला और तुम खींचे चले आए। दुआ करें अल्लाह आपका आना कबूल करे। और जब आप यहाँ से उठ कर के जाएं तो मेरे और आपके हाथ में मगफिरत के परवाने हों कि मैं और आप बख्शे बख्शाए यहाँ से उठ कर के जा रहे हों। उसके अलावा काबिले मुबारकबाद हैं वो मकतब वाले कि जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इन मासूम बच्चों के सीनों में इस दीनियात को पहुँचाया, अकाइद की दुरुस्तगी, अल्फाज की तस्ही और बच्चों के जहन की मजबूती, ये तमाम तर चीज़ें मिला करके मैं मुबारक दूंगा इनके वालिदैन को भी और इन तमाम बच्चों के उस्ताजों को भी कि अल्लाह हम इनका बदला नहीं दे सकते लेकिन आप जन्नत से कम बदले पर राजी ना होना। मेरे भाई दुआ करेंगे अल्लाह इन बच्चों को नेक साले आलिम बा अमल भी बना दे। मेरे भाई इस वक्त में आप रात की इस तारीकी में जमा हुए और इन नौजवानों की आवाज पर चले आए, इन्होंने आपको पुकारा, जरा यहां से एक गुफ्तगू करता चलूं, यहां से एक बात को बढ़ाता चलूं। वो बात क्या है? आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा मजमा ये इन नौजवानों की मेहनत की वजह से है, इन नौजवानों की काविशों की वजह से है। यहां से मैं और आप अगर ये समझें, अगर नौजवान चाहें तो इस जमीन पर क्या नहीं कर सकता, अगर नौजवान चाहें अगर दो चार महीनों की या दो चार दिनों की मेहनत अल्लाह ऐसे कबूल कर ले और तमाम के तमाम इंसानों को ये नौजवान अपनी मेहनत से इकट्ठा कर ले तो जरा गौर करें, अगर ये नौजवान और मेहनत करने लग जाए और अल्लाह से मांगने लग जाए और अल्लाह के सामने रोने लग जाए तो ये नौजवान क्या नहीं कर सकता, ये नौजवान क्या गुल नहीं खिला सकता, ये नौजवान क्या इनकलाब नहीं ला सकता, ये नौजवान इस जमीन पर क्या इस्लाम का झंडा नहीं फहरा सकता, ये नौजवान अल्लाह और उसके महबूब को क्या इस जमीन पर राजी नहीं कर सकता, ये नौजवान यहाँ के जालिमों की आंखों में आंखें डाल करके बात नहीं कर सकता। अगर ये नौजवान चाहे जरा सी मेहनत अगर अल्लाह इसकी यहाँ पर कबूल कर सकता है तो मेरे भाई ये नौजवान क्या कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता है। लेकिन सबसे पहले क्या जरूरी है मेरे भाई, मेरी स्पीड चूंकि बहुत ज्यादा है लेकिन अभी मुफ्ती याह्या साहब कह रहे थे कि समझने में थोड़ी दिक्कत होती है इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को आसान भी करूंगा और माइक वालों से कहूंगा कि इसकी जरा सी आवाज को बढ़ा करके रखें, इसकी आवाज कम ना करें, मेरी आवाज चाहे कितनी तेज हो जाए लेकिन इस आवाज को कम ना करें। मेरे भाई तो मैं आपसे गुफ्तगू करने चला अपने इन नौजवानों के बारे में, नौजवान क्या कुछ नहीं कर सकता, अगर ये नौजवान अल्लाह को राजी कर ले, अगर ये नौजवान अल्लाह को मना ले, अगर ये नौजवान अल्लाह के सामने हाँ सिर्फ एक या दो आंसू निकाल ले तो अल्लाह इससे अपने बड़े बड़े काम ले सकता है, अल्लाह इससे अपनी इस उम्मत के हाँ अपने महबूब की उम्मत के अल्लाह बड़े बड़े काम ले सकता है। और उसने पहले लेकर के दिखाए हैं कि बड़े बड़े अल्लाह के दीवाने इस जमीन पर नौजवान आए लेकिन जैसे ही वो अल्लाह के सामने आए और
और अल्लाह के सामने उन्होंने रोना शुरू किया और अल्लाह से मांगा, अल्लाह अल्लाह हमसे अपने दीन का काम ले लीजिए। तो मेरे अल्लाह ने उनसे दीन का काम लिया है। आओ मैं मुख्तसर सी गुफ्तगु करता चलूं और कुछ मिसालें आपके सामने देता चलूं, क्योंकि मेरे अल्लाह के यहां अगर नौजवान एक सजदा करता है नौजवानी की हालत में, बुढ़ापे के हजार सजदों से अल्लाह को बेहतर लगता है, अल्लाह को पसंद आता है। यानी बुढ़ापे में हजार सजदे करे और जवानी में सिर्फ एक सजदा कर ले तो मेरे अल्लाह को ये जवानी का एक सजदा बड़ा पसंद आता है। आओ तुम्हें लेकर के चलूं, कैसा सजदा आओ तुम्हें बतलाता चलूं। आपने नाम सुना होगा हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी का, आपने नाम सुना होगा। जानते हो ये कौन नौजवान है, जानते हो ये कौन अल्लाह का दीवाना है? ए नौजवानों, तुम्हें मुखातब करके गुफ्तगु करने चला हो, नौजवानों मेरी गुफ्तगु को सुनना, जरा सुनते चले जाना। हाँ, आपने नाम सुना होगा हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी का। ये हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? उलमा से मालूम करो, जब तक ये अल्लाह का दीवाना इस जमीन पर मौजूद है, बैतुल मुकद्दस की तरफ किसी की हिम्मत ना हुई कि आंख उठा करके देख ले। जो बैतुल मुकद्दस, जिसको मैं और आप मस्जिद अक्सा कहते हैं, आज वो दुश्मनाने इस्लाम के कब्जे में है। आज वहां नमाजों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। आज अगर मुसलमान वहां पहुंचता है तो उनके पहुंचने पर पाबंदी लगाई जाती है। लेकिन इस जमीन पर ऐसा भी वक्त गुजरा है, ऐसा भी जमाना आया है कि जब तक इस जमीन पर हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी जमीन पर मौजूद रहे हैं, किसी दुश्मनाने इस्लाम की हिम्मत ना हुई कि आकर क्यों मस्जिद अक्सा की तरफ अपनी नजरें उठा सके, क़िबला अव्वल की तरफ अपनी गंदी नजरों से देख सके, हाँ बैतुल मुकद्दस की तरफ, हाँ उसकी लालच की नजरों से देख सके, क्योंकि इस जमीन पर हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी मौजूद है। कौन मौजूद है? हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी मौजूद है। ये कौन अल्लाह का बंदा, ये कौन मर्द मुजाहिद? लेकिन ये जानते हो ये किस तरीके से पूरी दुनिया से अकेला तने तनहा अपने सिपाहियों को लेकर के खड़ा हुआ था? जानते हो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह कोई और नहीं, उसकी वजह अल्लाह से ताल्लुक था, अल्लाह से मोहब्बत थी, अल्लाह के सामने डरना था। एक दफा सलेबियों ने हाँ ये मशवरा किया है, क्यों ना हम तमाम के तमाम इकट्ठे होकर सलाहुद्दीन अय्यूबी का घेराव करें, हाँ उससे मुकाबला करें। हजरत सलाहुद्दीन है कि सलेबियों से मुकाबला कर रहे हैं, हाँ अपने साथियों को लेकर जाबाजी के साथ लड़ रहे हैं, बैतुल मुकद्दस की खातिर, मस्जिद अक्सा की खातिर। लेकिन इसी वक्त में किसी ने आकर के कान में कहा, ऐ सलाहुद्दीन, एक बेड़ा और यहूदियों का, एक बेड़ा और सलेबियों का पानी के जहाज के जरिए से हाँ तेरी मुखालफत में आ रहा है, तेरा मुकाबला करने के लिए आ रहा है। लिहाजा ऐ सलाहुद्दीन, अगर जान बचाना चाहते हो तो बचा लो, क्योंकि वो बेड़ा बड़ा मजबूत है, उसमें बड़े सारे सिपाही हैं, उसमें फौज के बड़े सारे हाँ बड़े सारे नौजवान हैं। ऐ सलाहुद्दीन, तेरे अंदर ताकत नहीं है कि तू उनका मुकाबला कर सके, तेरे अंदर कुव्वत नहीं है कि तू उन सलेबियों का मुकाबला कर सके। लेकिन हजरत सलाहुद्दीन जरा से ना घबराए, जरा सा खौफ ना खाए, बल्कि अपने घोड़े से उतरे। उलमा कहते हैं सीधे मस्जिद के अंदर गए और मस्जिद के अंदर रोना शुरू कर दिया। अल्लाह के सामने रात को रोए, इतना आंसू बहाया, इतना आंसू बहाया। जब सुबह हो गई, रात को रोते रोते, तो हजरत सलाहुद्दीन मस्जिद के बाहर आए। मस्जिद के बाहर आने के बाद मस्जिद की सीढ़ियों पर देखा, एक सफेद पोश बुजुर्ग हैं, एक अल्लाह के नेक बंदे हैं जो मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े हुए हैं। लिहाजा उन्होंने सलाहुद्दीन की आंखों को देखा, उनकी आंखों में आंसू देखे। अरे अल्लाह के बंदे, सलाहुद्दीन तेरे रोने की वजह क्या है? अरे तू इतना रो क्यों रहा है? तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो हजरत सलाहुद्दीन कहते हैं कि मुझे मालूम हुआ है कि मेरे मुकाबले के लिए सलेबियों का बड़ा काफिला मेरे मुकाबले के लिए आ रहा है, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा अल्लाह के सामने रो रहा था। हाँ, वो सफेद पोश बुजुर्ग कहते हैं, जिन्होंने सफेद लिबास पहन रखा है, वो कहते हैं ऐ सलाहुद्दीन, रोने की घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे रात के आंसुओं ने उस पूरे बेड़े को पानी में गर्क कर दिया है। नारक तकबीर, अल्लाहु अकबर। तेरे रात के रोने ने
उस पूरे बेड़े को गर्क कर दिया है। ए नौजवान, तुझसे गुफ्तगू करने चला, किसी को कोसने की जरूरत नहीं, किसी को बुरा कहने की जरूरत नहीं, मुझे और आपको आज जरूरत है, और मेरे नौजवानों को खास तौर से कि मैं और आप अल्लाह के दरबार के अंदर आए, खास तौर से नौजवान आए, मेरा अल्लाह तुम्हारे सजदों के इंतजार में है, तुम्हारे आंसुओं के इंतजार में है कि किस तरीके से नौजवान आए और मेरे दरबार में आकर एक आंसू बहा दे, फिर देख कितनी बड़ी ताकत तेरे सामने क्यों ना हो, फिर देख कितना ही बड़ा सालिम तेरे सामने क्यों ना हो, लेकिन तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह यह होगी, ए नौजवान, तेरे साथ अल्लाह होगा, ए नौजवान, तेरे साथ अल्लाह की ताकत होगी। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप अपने अल्लाह को मनाएं, मैं और आप अपने अल्लाह को राजी करें। हाँ, आकर के अल्लाह के सामने अपने आंसुओं को बहाएं। आओ, मैं बतरा रहा था, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी एक आंसू बहाया और अल्लाह ने कबूल कर लिया, पानी में बेड़े को गर्क कर दिया। आओ तुम्हें बतलाता चलो, एक नाम और आपने सुना होगा, वो कोई और नाम नहीं, आओ मालूम करो उलमा से, वो नाम मोहम्मद बिन कासिम है। अल्लाह का ये शेर भी बगदाद की सरजमीन से उठा था, और नौजवानों इसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 17 या 18 साल का नौजवान है। उलमा बतलाते हैं, मुफ्तियाने इकराम अपनी किताबों में लिखते हैं कि इस नौजवान की उम्र ज्यादा नहीं, सिर्फ 17 या 18 साल का नौजवान है। हाँ, बगदाद की जमीन पर रहता है। इसकी नौजवानी के आलम में एक वाकया ऐसा पेश आया, जरा सुने। एक काफिला हिंदुस्तान की जमीन से यहां से गुजरता हुआ जा रहा है, वो काफिला मुसलमानों का है, वो काफिला मुस्लिम बच्चियों का है, वो काफिला अल्लाह की नेक बंदियों का है, लेकिन जैसे ही वो काफिला इस सरजमीन से गुजर करके गया तो यहां के कुछ डाकुओं ने, यहां के कुछ कज़ाकों ने उस काफिले को लूट लिया। हाँ, उनकी जो बच्चियां हैं उनके दुपट्टों को उछाला गया, उनकी इज्जतों को नीलाम किया गया। चुनाचे उन्हीं में से एक बच्ची पुकार करके कहती है, अरे है कोई दुनिया के अंदर जो हमारे दुपट्टों की हिफाजत कर सके, है कोई जो हमारी इज्जतों को इन दरिंदों से बचा सके, है कोई अल्लाह का नेक बंदा, है कोई पूरी दुनिया की जमीन पर जो आकर के हमारी हिफाजत कर सके। उधर बगदाद की सरजमीन पर मोहम्मद बिन कासिम मौजूद हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं सो जाता हूं और आराम करता हूं, मुझे ख्वाब के अंदर नजर आता है कि कोई बहन मुझे पुकार करके कह रही है, है कोई भाई इस जमीन पर जो आकर के हमारे दुपट्टों की हिफाजत कर सके। चुनाचे मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं, मैं हड़बड़ा करके उठता हूं और उठ करके उस आवाज के जवाब में कहता हूं, लब्बैक व सादैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन में हाजिर, ऐ मेरी बहन में हाजिर, जरा सबर के दामन को मजबूत रख, जरा जब्त के बंधन को मजबूत रख, ऐ बहन में हाजिर हूं, ऐ बहन में आ रहा हूं। ये कौन है? बगदाद की सरजमीन से उठने वाली आवाज है। सिर्फ 17 या 18 साल का नौजवान है जो उस बहन की आवाज के जवाब में कहता है, लब्बैक व यसादैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन मैं हाजिर हूं, ऐ मेरी बहन मैं हाजिर। जब सुबह हुई तो मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज इब्न यूसुफ के पास पहुंचते हैं और जाकर के कहते हैं, ए हज्जाज, इस अमारत का क्या फायदा जहां बहनों के दुपट्टों की हिफाजत ना हो, जहां बहन के इज्जतों की हिफाजत ना हो, जहां मुसलमानों के माल दौलत की हिफाजत ना हो, लिहाजा ए हज्जाज जरा कुछ फोर्स को तैयार कीजिएगा ताकि वो उस जमीन पर जाकर अपने बहनों के दुपट्टे को लेकर के आ सके। लेकिन हज्जाज कहता है, अरे हज्जाज कहता है कि मेरी कुछ फोर्स अभी महाज पर लगी हुई है, लिहाजा मैं अभी अपनी इन फोर्स को नहीं भेज सकता। मोहम्मद बिन कासिम मायूस लौटते हैं, लेकिन अपने महल्ले की गलियों में आते हैं और महल्ले की गलियों में आकर अपने नौजवानों को इकट्ठा करते हैं, नौजवानों से कहते हैं, ए नौजवानों जरा इकट्ठे हो जाओ, ए नौजवानों जरा मेरी तरफ आ जाओ। चुनाचे नौजवान इकट्ठे होते हैं, ए मोहम्मद क्या हुआ, ए मोहम्मद बिन कासिम
कासिम क्या हुआ? तो मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं, अरे हिंदुस्तान की जमीन पर हाँ एक काबले को लूटा गया, ये जवानी किस काम की जो मालो दौलत की हिफाजत न कर सके, ये जवानी किस काम की जो बहनों के दुपट्टों की हिफाजत न कर सके। चुनाचे वो नौजवान कहते हैं, हे मोहम्मद चाहते क्या हो, बतलाओ तो सही। कहा कि तैयार हो जाओ, हमें अपनी बहनों के दुपट्टे को लेकर के आना है, उनकी इज्जतों को बचाना है। चुनाचे ये काफिला मोहम्मद बिन कासिम के साथ हिंदुस्तान की जमीन पर पहुंचा। उस वक्त राजा दाहिर की हुकूमत है, राजा दाहिर से मुलाकात करते हैं, ए राजा तेरे तेरी इस सरजमीन पर तेरी रियाया में से कुछ कसाकों ने मुसलमानों के काफिले को लूटा है, लिहाजा उनका मालो दौलत उनकी इज्जत वापस कर दी जाए। राजा दाहिर कहता है, अरे ये मुट्ठी भर नौजवान मुझसे मुकाबले के लिए आए, मेरे मुल्क में मुकाबले के लिए आए। वो कहता है इनको पकड़ लो और गिरफ्तार कर लो। मोहम्मद बिन कासिम एक नारा लगाते हैं, ओ अल्लाह के शेरों अब कुर्बानी का वक्त है। चुनाचे तमाम नौजवान मोहम्मद बिन कासिम की आवाज पर लबैक कहते हुए मुकाबला करते हैं और उस वक्त के राजा को वो लोहे के चने चबाते हैं, वो चने चबाते हैं। हाँ मेरे भाई, तारीख ने लिखा है सिर्फ 19 या 20 साल का नौजवान सिंध से लेकर और मुल्तान तक इस्लाम का झंडा फहरा करके चला जाता है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। जनाब मुफ्ती खालिद कासमी साहब जिंदाबाद, उलमा देवबंद जिंदाबाद,